एक बात याद रखना, अल्लाह उसको हिदायत देता है जो हिदायत के लिए कोशिश करता है, जो कोशिश नहीं करता अल्लाह उसको कभी हिदायत नहीं देता। अब एक बंदा है, नमाज नहीं पढ़ता, फॉर एग्जांपल 5 वक्त भी नहीं पढ़ता, 1 वक्त भी नहीं पढ़ता, जुमा नमाज भी नहीं पढ़ता, तो हम उसे कहते हैं अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। अल्लाह ऐसे हिदायत नहीं देता, जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको हिदायत करता। वो कोशिश ही नहीं करते, उनकी नीयत ही नहीं है पैसे देने की, उन्होंने वो इधर सोचते नहीं उनको पैसे देने। वो कहते हैं दुनिया में जितने मरते फ्रॉड हो गए हैं ऑनलाइन, आज तक किसी को पैसे नहीं मिले, अगर हमने नहीं दिए तो फिर क्या हुआ? अदलिया हमारे साथ है। वो कहते हैं जी सब कुछ, ये अदलिया हो गई और दूसरे इदारे हो गए, वो सब इनके साथ हैं, अदलिया भी साथ है, डेटों पे डेटे दे ही जा रही है। वरना ऐसे बंदे को मिनट में जज कहे भाई हाँ भी पैसे देता है, नहीं तो 25 साल आपको सजा देता हूँ, फैसला आपने करना है, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, ख़त्म, फैसला हो गया केस का। अगर इस तरह हमारे मुल्क में इंसाफ हो ना भाईजान, तो पैसे क्या, मैं कहता हूँ हमारा मुल्क बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क में ना पिछले 100 साल से अदालतों में केस पेंडिंग होते हैं तो पता लगता है ये पाकिस्तानी अदालत है, यहाँ जल्द फैसले नहीं होते और ना ही फैसला हमारे हक में होना है। पैसे पूसे कोई नहीं मिलने भाई, जो मर्जी कर लो, अल्लाह ताला हिदायत उसको देता है जो कोशिश करता है, उनको अल्लाह हिदायत नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने कोशिश करनी नहीं है, उन्होंने सोचना ही नहीं है। इसलिए चुप करके सो जाओ, अल्लाह ताला से कोई और बंदोबस्त मांगो, ये भूल जाओ। वो 4 लोग हैं सिर्फ, सैफुर्रहमान, राजा रियाज, मलिक नवीद और टॉप लीडर। 5 लाख लोगों पे भारी है वो, 5 लाख लोगों पे, 5 लाख लोगों को चूतिया बनाए रखे उन्होंने 2 साल, हिदायत कहाँ गई?